ओए मुझे छोड़ दे। ओए नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, ब्याज के डांट। अरे बाप रे बाप, ये क्या? अरे मुझे मार दिया बॉर्डर पे। ओए ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या? अरे मेरी आँख खुल गई। अरे मैं तो बॉर्डर पे था अभी, अरे घर में कैसे आ गया? ओए ये क्या, इतना बढ़िया सपना देख रहा था और मैं उसमें शहीद भी हो गया। ओए कोई नहीं यहाँ पे, लेकिन घर में क्या चल रहा है? रात हो गई लगता है। और ये मुन्ना सिंचन अभी तक आए नहीं, जब से पार्टी में गए थे लेस्टर के घर पे, और मैं घर देख रहा था। और ये क्या, लगता है रात हो गई लेकिन देख क्यों नहीं रहा मुझे कुछ भी। और साथ में लाइट भी चली गई। भैंस की डांट, क्या क्या मनुष्य चल रही पे। अरे मैंने टॉर्च कहाँ रखा था, यह मिल गया मुझे टॉर्च। चलो बाहर देख कर आते हैं। ओए भैंस की डांट, रात ही होगी जब इतना अंधेरा लग रहा है, नहीं तो घर के अंदर इतना अंधेरा तो होता नहीं है। ओए मुन्ना आ गया क्या? नहीं कोई नहीं आया क्या? ओए चलो यार ऊपर चलते हैं। यार भाई साहब बहुत तेज की भूख भी लग रही है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मुन्ना सिंचन पता नहीं आज कहाँ रह गए। मैंने इन दोनों को बोला था कि जल्दी से आ जाना, लेकिन ये दोनों कहाँ निकम्मे सुनते मेरी बातें को। ओए लगता अपने टाइम पे आएंगे। ओए कोई नहीं। ओए रात के अंधेरे में मुझे तो खास कर डर लगता है भैंस की टाट, अंधेरा ना हो। ओए टॉर्च तेरे को क्या हो रहा है, ढंग से लाइट चल। ओए दोस्तों कैस कैस को अंधेरे में डर लगता है अपने घर में जब लाइट चली आती है, मेरी तो सही बता रहा हूँ बहुत हालत ख़राब हो रही है। लेकिन कोई नहीं, मैं फौजी हूँ, फौजी को कभी डरना नहीं चाहिए। ओए लेकिन भैंस की टाट, ये ओए ये क्या, अरे ये क्या कर दिया किसने, ये दरवाजा, अरे शीशे में ये लक्कड़ किसने लगा दी? ओए भैंस की टाट, यहाँ पे लक्कड़ आखिरकार किसने लगा दी? ओए यहाँ पे चांदनी की रोशनी भी नहीं आ रही, चांद की चांदनी अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने, ओए दरवाजा कब से लग गया? यहाँ तो शीशे का वो था और जगह थी। ये लगता है मुन्ना का काम है क्या? ये मुन्ना पक्का मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। मुन्ना मैं बता रहा हूँ, मेरे को बाहर निकालने दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए भैंस की टाट, दरवाजे को तोड़ दूंगा। वही इतना मजबूत दरवाजा बनाया, वह टूटता नहीं है तो। वह कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं टूट रहा। भैंस की टाट कितना मजबूत है। ओए काम करता हूँ यहाँ पे, चलो अभी। ओए देखो बाहर, हाँ बाहर तो अंधेरा ही हो गया है, लेकिन फिर भी बाहर के हिसाब से तो अंदर कुछ नजर आना चाहिए। चलो गाइस अभी दिमाग ख़राब हो रहा है, यह पक्का मुन्ना और सिंचन का ही काम है। आखिरकार इन दोनों नुबड़ों ने मुझे यहाँ पे पता नहीं किस लिए कैद कर दिया। इनको लगता है कि मैं रात के अंधेरे में डर जाऊँगा, लेकिन गाइस मैं बता दूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। ओए मुन्ना मेरी बात सुन ले, अगर तू बाहर सुन रहा है ना तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, और तेरा मिशन फेल हो जाएगा पक्का। तू मेरी प्रैंक वीडियो बनाना चाहता है ना, तो मैं नहीं डरूंगा मुन्ना। ओए ये क्या, यहाँ भी दरवाजा लगा दिया, वो इधर से भी बाहर नहीं आ सकते। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं दोनों? चलो कोई नहीं, मैं भी इनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी नहीं डरूंगा अंधेरे में। ओए वैसा कितना इन लोगों ने अंधेरा कर दिया, बाप रे बाप, इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वह अंदाजे से जाना पड़ेगा, पूरा अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है मैं ब्लैक होल के अंदर घुस गया। वह ये क्या, नीचे वाला भी बंद कर दिया। वह ये क्या मजाक चल रहा है, मुझे लगा कि ऊपर की साइड बंद है, लेकिन ये क्या, ये तो नीचे भी बंद कर दिया इन लोगों ने। मुन्ना मेरी बात सुन ले, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है, नींबू को तरह निचोड़ दूंगा। वह दरवाजा खोल दे, वाह इसको हटा दे, भैंस के डांट कोई सुन भी रहा है? वह मेरी बात सुन मुन्ना और सिंचन। ओए सिंचन ये पक्का तेरा आइडिया होगा। ओए ये क्या, कोई अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? इनको लगता है कि ये लोग मुझे डरा सकते हैं, मुझे डर नहीं लगता। ओए भैंस की टाट अंदर है से मुझे डर नहीं लगता है। ओए डर तो लग रहा है। अरे यार ये टॉर्च भी काम करना बंद कर दिया ना, भैंस की टाट यहाँ पे तो कुछ देख नहीं रहा। चलो गाइस ऊपर ही चलता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे से मेरी आवाज़ जाएगी नीचे मुन्ना के पास। ये मुन्ना, अबे भैंस की टाट ये वाला भी जोन बंद कर दिया, इधर वाली विंडो भी बंद कर दी। इन लोगों ने क्या क्या कर रखा, पूरा सब कुछ सिस्टम हैंग कर दिया क्या? ओए चलो देखना पड़ेगा आखिरकार ये लोग गए कहाँ पे। ओए पापा जी ये क्या चीज, अभी तो ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ओए ये क्या, ये मुन्ना ने पक्का यहाँ पे कुछ लगा दिया है, और उसे लगता है कि मैं डर जाऊंगा। ये क्या, ये तो एक शीशा रखा जिसके अंदर से एक लाइट आ रही है अजीब सी, वो ये तो मैजिकल लाइट है। आखिरकार इस शीशे में है क्या ऐसा? वह भैंस की डांट इस शीशे में अंदर गुफा सा क्यों दिख रहा है, ये है क्या? वैसे शीशे में तो मैं दिखना चाहिए, लेकिन ये शीशे के अंदर एक अजीब सा क्यों दिख रहा है? वह कैसा शीशा है, लगता है ये लोग प्रैंक करना चाहते हैं पक्का। ये कोई मैजिकल मिरर या तो ऐसा टेक्निकल मिरर होगा, और यहाँ पे डिस्प्ले लगी होगी इसके अंदर, मुझे डराना चाहते आखिरकार। मुन्ना मैं नहीं डरने वाला, अगर तू देख रहा है ना मुन्ना, मैं डरूंगा नहीं। अरे बाप रे बाप, ये क्या,
ओए भैंस की डांट, मैं तो शीशे के अंदर चले गया। मुन्ना बचा मुझे, मुन्ना मेरे को इस शीशे ने खा लिया, मुन्ना बचा मुझे, मुन्ना। ओए पापा जी, ये कहाँ आ गया मैं शीशे के अंदर? ये शीशा अंदर से इतना काला क्यों है? ओए खोल जा शीशा, तुझे तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा। ये क्या, ये शीशा की क्या है, इतनी बड़ी अंदर जगह कैसे है? आखिर कार में शीशे के अंदर घुस कैसे गया? और ये शीशे के अंदर तो पूरा का पूरा यहाँ पे सुरंग बन रखी है। वही अब क्या करूँ मैं, ये तो टूट ही नहीं रहा और मैं बाहर भी नहीं निकल पाऊँगा, और मुन्ना सिंचन मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और मैं शीशे के अंदर यहाँ हमेशा कैद ना रह जाऊँ। ओए ये क्या हो रहा आखिरकार? यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे बाहर निकलूँगा? ओए हेलो, कोई है क्या? ओए बाप रे बाप, यहाँ पे तो अंधेरे में कोई भूत वूत हो सकता है। हेलो कोई है क्या? ओए कोई भी जवाब नहीं दे रहा, वैसे पहले से डर लग रहा और शीशे के अंदर और घुस गया मैं। अरे यार एक ऐसा शीशा था, मुझे कहाँ लेकर आ गया? ओए ओए मेरे से पैसे ले लो, मेरे पे $5 ले लो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ओए यहाँ शीशे में फंस गया, कोई है क्या? अरे बाप रे बाप, ये क्या पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, बस फॉगी फॉगी सब वेदर हो रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। दोस्तों आप लोग बताओगे क्या करना चाहिए मुझे ऐसे सिचुएशन में? अरे अरे बाप रे, ये क्या, ये तो कोई मरा पड़ा यहाँ पे। गाइस ये है क्या चीज़? अरे बाप रे बाप, ये तो गाइस ब्लैक पैंथर है। ओ भाई साहब, ये तो ब्लैक पैंथर है। ओए ये ब्लैक पैंथर को आखिरकार किसने मारा होगा? अरे बाप रे, ये तो इंसानों को मारता है, और इसे किसने मार दिया? मतलब कि यह इंसानों को मारता है, इसको उसने मार दिया, तो इंसानों को भी वो मार सकता है, मतलब कि मुझे भी मार सकता है। ओए अगर वो ब्लैक पैंथर को मार सकता है तो मेरी पक्का वाट लग जाएगी, क्या करूँ? ओए उधर तो रास्ता बंद है, यहाँ पे दो रास्ते, कहाँ किस साइड जाऊँ? अरे मुन्ना मैं, अरे यार कहाँ फंस गया मैं? ओए मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, तो मुझे रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन आगे पता नहीं कोई भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों यार यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ताकि मुझे कुछ ना कुछ डेयरिंग तो मिले। ओके गाइस, यार इस साइड तो ये दरवाज़ा बंद है। ओए ये भी बंद कर रखा है इधर भी, ये शीशा का हैंड है क्या? ओए मैं हमेशा इस शीशे के अंदर कैद नहीं रहना चाहता हूँ। ओए मुझे अभी शादी करने है, बच्चे करने हैं, ओए परिवार बनाना है। ओए आज के डाट ये सब मिशन फेल हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार ये क्या, यहाँ पे मैं कैद नहीं रह सकता हूँ। वह यहाँ पे एक और रास्ता है, वह कहीं वो इधर तो नहीं है जिसने इस ब्लैक पैंथर को मार दिया हो? आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है? हेलो कोई है क्या? हेलो कोई है क्या? वह मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्या? अरे बाप यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें से आ तो रही है, मुझे ऐसा लग रहा कोई है इस साइड, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ हो जो कि मुझे मार दे। ओए ओए बाप रे बाप, ये क्या, यहाँ पे तो कुछ अलग ही नज़ारा है। ओए ये क्या चीज़ है? अरे ये तो लड़की है गाइस, यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है। ओए क्या बढ़िया डांस कर रही है, वीडियो बनाता हूँ, फोटो खींचूंगा, मुन्ना को दिखाऊंगा, ये देख। ओए क्या डांस चल रहा है, बहुत ही बढ़िया डांस है, लेकिन यहाँ पे तो खतरा भी है डांस भी है। ये लड़की आखिरकार यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, चलो फोटो खींच देता हूँ, ये खींच दी फोटो मैंने। अरे ये क्या हो गया, फोटो खींचने के साथ ये बदल कैसे गई? अरे भैंस की डांट, ये तो सर्बियन लेडी है। ओए पापा जी ये क्या हो गया, मैंने इसकी फोटो खींच ली। ओए ये तो होना नहीं चाहिए था, मैंने इसकी फोटो कैसे खींच ली, अभी तो लड़की की तरह दिख रही थी, अचानक से सर्बियन लेडी बन गई। ओए ओए भैंस की डांट, ये कैसे हो सकता है, यह सर्बियन लेडी कैसे बन गई? आखिरकार मेरे जाल में फंस गया जैक नुबड़े, अब तो तुम मेरे हाथों से मरेगा। मेरा ट्रेंड बहुत पुराना हो गया था, हर कोई मुझे जान चुका था, जिसकी वजह से कोई भी मेरी फोटो नहीं खींचता था। तो मैंने यहाँ पे दूसरी टेक्निक अपनाई और मैं एक लड़की का रूप ले लिया, उसके बाद जैसे तूने मेरी फोटो खींची। कहाँ भाग रहा है, अब तो तू बच के नहीं जा सकता।
ओए पापा जी छलावा, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। सर्बियन लेडी ने मेरे साथ धोखा किया। ओए भागो इससे पहले ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ओए जाओ तो जाओ कहाँ पे, यहाँ पे तो रास्ता बंद हो गया। नहीं ओए नहीं जैक, भागने से कोई फायदा नहीं है, अब सरेंडर कर दे। अब तुम मेरा शिकार है पहला, कहाँ जाएगा आज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। ओए मैडम, अरे मैडम जी छोड़ दीजिए ना, गलती हो गई, फोटो नहीं खींचूंगा। फोटो खींची ना तूने मेरी, अब तू नहीं बचेगा। ओए तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई है आज, सर्बियन लेडी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुझे चाकू कहाँ से मिल गया? तुझे पता है ना, जब कोई मेरी फोटो खींच लेता है तो उसके बाद मैं उसको मार देती हूँ, क्योंकि उसकी पावर मेरे अंदर आ जाती है और मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हूँ। तू बचेगा नहीं। ओए मैं भी जैक द फौजी हूँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा सर्बियन लेडी, बेशक तू फोटो खींचने के बाद कितनी भी ताकतवर हो जाए। ओए आ मुझे छोड़ दे, आ नहीं तो मुन्ना तुझे पक्का मार डालेगा। अभी तो तू आया है मेरे ट्रैप में फंसा है, अभी तेरा मुन्ना भी आएगा, फिर शिनचैन भी आएगा, धीरे धीरे करके जो भी आएंगे उनको मैं यहाँ मारते जाऊंगी। और उनका शिकार करूंगी। लगता है ये नुबड़ा मर चुका है। काफी दिनों के बाद मैंने कोई शिकार किया है और अपने बहुत ही बड़े दुश्मन का शिकार किया है। मजा आ गया। अभी तेरा भाई भी आएगा, उसको भी मारूंगी कुछ इसी तरीके से। आखिरकार जो भी मेरी फोटो खींचेगा वो बचेगा नहीं। मैं हूँ सर्बियन लेडी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा मैजिकल मिरर बहुत ज्यादा काम आ रहा है। ये कौन आएगा अब, उसका मैं शिकार करूंगी। अरे यार मैं क्या बोल रहा होगी भैया, पार्टी में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। हे शिनचैन, वैसे पार्टी में काफी ज्यादा मजा आ गया, लेकिन काफी ज्यादा रात भी हो चुकी यार। आर्या बिल्कुल सही कहा, लेकिन पार्टी के अंदर डांस करने का तो मजा ही कुछ और था, और तुमने मेरे स्टेप्स देखे ना, और डांसिंग मूव कैसे लगे मुझे। बहुत ही बढ़िया डांस करा यार, तुमने कहाँ से सीखा ये? अरे मैंने तो यूट्यूब पे डांस क्लास ली थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ही बढ़िया डांस आ गया करने। अरे यार देख के चलाओ ना, तुम्हें नींद आ रही क्योंकि भैया? नींद तो मुझे लग रही है, वैसे काफी ज्यादा रात हो चुकी है गाइस यार यहाँ पे। कहीं भैया हम दोनों की वाट ना लगा दे। अरे यार जैक भैया को वैसे हमने घर देखने को बोला था, कहीं वो भी ना निकल जाए। नहीं, जैक भैया अकेले घर पे होंगे। ओके गाइस हमें यहाँ पे भैया अकेले खाना पार्टी से लेकर आ रहे भाई। ओके गाइस फाइनली काफी ज्यादा मैं लेट हो गया पार्टी के अंदर, और सीधा गाइस हम लोग आ रहे लेस्टर के घर से। भैया हम दोनों की वाट लगा देंगे सिंचन। अरे यार बोल देंगे ना ट्रैफिक में फंस गए थे। भैया ने गूगल मैप में ट्रैफिक अगर चेक कर लिया तो क्या होगा? अरे बोल देंगे ना गाड़ी पंचर हो गई थी। ये भी ठीक है, देख रो ना गाइस यहाँ पे सिंचन के पास झूठ बोलने के कितने सारे बहाने हैं। अरे यार मैं इतना भी खास नहीं हूँ। ठीक है गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी गली में। वैसे आज कुछ ज्यादा ही रात हो चुकी है, और गाइस सर्दी भी आ चुकी, विंटर के टाइम में फॉगी वेदर हो जाता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा फॉग यहाँ पे हो चुका है। अरे यार बिल्कुल सही कहा, ये तो वेदर पूरा फॉगी हो गया है क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है ना। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। चलो यार यहाँ पे आज तो काफी ज्यादा मैं थक गया, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं यही सो जाऊंगा। अरे यार कोई बात नहीं, चलो यार बेड पे चलते हैं सोते हैं। सही कहा। अरे ये क्या भैंस की डांट, ये दरवाजा कहाँ से बंद हो गया, और ये नया दरवाजा किसने लगा दिया? अरे यार मुझे नहीं पता, ये दरवाजा पक्का जैक भैया ने लगाया होगा। अरे भैया दरवाजा खोलो यार, ये क्या? चलो भैया को ये वाले दरवाजे से बोला जाए क्या? दोस्त ये वाला दरवाजा ही देखते, अपने पास चाबी थी दरवाजे की।
गाइस एक चाबी तो काम कर रही लेकिन अंदर से एक और दरवाजा लगा पड़ा यार, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अरे यार लगता है ये जैक भैया ने जानबूझ के क्या होगा, क्योंकि हम लेट हो गए ना इसीलिए हमारी पनिशमेंट के लिए उन्होंने पूरा दरवाजा बंद कर दिया होगी। भैया 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 बाहर ठंड है यार, बाहर नहीं सो पाएंगे हम लोग। अब क्या करें, हम अंदर जाएंगे तो भैया पिटाई भी हमारी कर देंगे और अंदर से भैया ने दरवाजे लगा दिए। गाइस ये क्या हो रहा है, क्या करें सिंचन बताओ अब। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर नहीं जाते, अंदर अगर हम लोग गए तो हम बहुत से बुरी तरीके से फंस जाएंगे और जैक भाई हमारी पिटाई कर देंगे। ए बात तो सही कही, तो क्या करें। अरे ये काम करते ना, हम लोग यहाँ ही बाहर सो जाते हैं और जैसे सुबह जैक भैया का गुस्सा कम हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे। सही कहा, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है, चलो सोता हूँ। One hour later. ए भैया माफ कर दो मुझे, आइंदा पार्टी में लेट नहीं आऊंगा। ए भैया अरे यार इतनी ठंडी क्यों लग रही है, लगता है जैसे शिमला में आ गया मैं। अरे ये क्या, अरे बाप रे बाप, गाइस बातें ही बातों में पता नहीं चला मेरी और सिंचन की कब आंख लग गई और कब रात हो गई। अरे यार बिल्कुल सही कहा यार, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया। अंधेरा नहीं सुबह हो गई, कैसे यार लगता है रात की। भाई सब सिंचन है, तुमने ड्रिंक तो नहीं कर ली बड़ो वाली। अरे नहीं वही मैं कहना चाहता था। लेकिन भैया ने अभी भी दरवाजा नहीं खोला, ये कैसे हो सकता है। ए भैया सुबह की जॉगिंग करने तो हमेशा जाते हैं और भैया दरवाजा क्यों नहीं खोले। अरे यार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए यार अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ दीवार से चढ़ के। सिंचन जल्दी आओ अंदर। अरे मैं भी आ रहा हूँ, ये लो मैं आ गया। ठीक है चलो गाइस अभी हम देख के आते आखिरकार मामला क्या है, भैया ने दरवाजा खोला क्यों नहीं। पूरी रात हमने बाहर ही बिता ली, वैसे ज्यादा नहीं सुबह होने वाली थी, रात तो हमने भाई साहब पार्टी में बिता ली थी। चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर, घर के अंदर। सिंचन अरे यार रुको यार, दीवार काफी ज्यादा ऊंची है, मैं चढ़ नहीं पा रहा। अरे यार चढ़ जाओगे। ओके गाइस फाइनली सिंचन चढ़ चुका है। ये क्या, अरे ये क्या गाइस यार, ये क्या कर दिया। ये पूरा घर क्यों भैया ने अंदर से बंद कर लिया। अरे यार मुझे लगता है जैक भैया ने जानबूझ के बंद किया ताकि हम अंदर ना जा पाए। ये कैसे हो सकता है, भैया अंदर हो क्या। भैया सॉरी आइंदा हम लोग लेट नहीं आएंगे। अरे मुझे क्यों मार रहे हो। अरे सिंचन तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हो गए। अरे भैया सॉरी, भैया मेरी बात सुन रहे हो, भैया दरवाजा खोल दो यार। मुझे अंदर आने दो। अरे यार मुझे तो लगता है जैक भैया सही में बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए उन लोगों ने मतलब उन्होंने हमें भगा दिया घर से। घर से तो भगाया नहीं, पूरा घर ही सील कर दिया। तो मतलब वही हुआ। ओके गाइस यार मुझे कैसे भी करके भैया को मनाना पड़ेगा। सिंचन एक काम करो, पर जल्दी आओ। अरे यार आ रहा मुझे सूसू लग गया। अरे यार ये क्या, बाथरूम भी नहीं खुला है तो कहाँ सूसू करोगे। अरे यार गमले तो रखे है ना। ये क्या घर के गमले में इमरजेंसी के टाइम में, चलो चलता है। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे। भैया किधर हो, भैया किधर हो, भैया मेरी आवाज़ आ रही है क्या तुम्हें भैया। ये क्या गाइस, इधर से भी बंद कर रखा है पूरा का पूरा। गाइस ये कैसे हो सकता है यार। भैया ने पूरा अंदर से सील कर दिया सिंचन। अरे यार मुझे तो लगता है जैक भैया ने बहुत ही बड़ा प्लान कर रखा है। अरे यार अब लोग हम कैसे अंदर जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार बिल्कुल सही कहा यार, अब क्या करेंगे हम लोग, बाहर तो बेघर हो गए। अरे यार यहाँ से थोड़ा गैप है गाइस, इस गैप में से भैया को नज़र देखने की कोशिश करूँ क्या। क्या लगता है सिंचन भैया गए कहाँ होंगे। अरे यार मुझे नहीं पता, भैया अंदर है और वो चुपचाप हमारी बातें सुनने गए, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। यार ये बात सही की, भैया किधर हो, भैया देख जाओ। अरे यार भैया किस साइड हो। दोस्त भैया ने क्या कर दिया हम लोगों के साथ, हम लोगों तो भाई सब घर से बाहर निकाल दिया। अरे थोड़ा सा पार्टी में लेट क्या हो गए, भैया ने पूरे घर को ही सील कर दिया। अरे यार इतना सील तो तब नहीं किया था जब जॉम्बीज आए थे, यार ये वाले तो नेक्स्ट लेवल सील कर दिया। ओके गाइस हम यहाँ पे फाइनली इस दरवाजे की तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ये मिल गया अपने भंगार स्टोरेज में, ये सेक से तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा दरवाजे को, भैया खोल दो नहीं तो मैं शीशे को तोड़ दूंगा। अरे यार शीशा तोड़ रहे हो क्या कर रहे हो यार। सिंचन तुम एक मिनट पीछे रहो, ये देखो दरवाजा तोड़ दूंगा। इतना भी मजबूत नहीं होगा कि एक से दरवाजा ना टूटे।
अरे यार मुझे तो लग रहा है दरवाजा टूट ही नहीं रहा होगी भैया, आप क्या करोगे? अरे यार क्या करूंगा, मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं टूटेगा। छील दूंगा इस दरवाजे को मार मार के। इसका बढ़ता निकाल दूंगा कुछ ऐसे, देखो सिंचन इसे नहीं छोड़ूंगा। गया ये दरवाजा, ये ले नले तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी फटकी मारूंगा ना ऐसी फटकी मारूंगा। फिल्म बना दूंगा तेरी। आर यार ये तो टूट ही नहीं रहा, आप क्या करेंगे? रुको अभी बंदूक लाता हूँ, फिर इसकी वाट लगाता हूँ, भून दूंगा इसे मैं। ये चलो शॉर्ट गन लेकर आ गया, गाइस अभी शॉर्ट गन से इसको उड़ा के देखते हैं। शॉर्ट गन से अच्छे अच्छे दरवाजे टूट जाते हैं। अरे यार ये दरवाजे में छेद हो रहा है लेकिन आर पार नहीं हो रहा है। कितना मजबूत है दरवाजा सिंचन, अभी क्या करे यार? अरे यार ये दरवाजा मुझे नहीं लगता है टूटने वाला है क्योंकि अनब्रेकेबल है। अरे यार ये क्या भाई सब, ये दरवाजा टूट नहीं रहा है और हमें अंदर जाना है। मुझे बेड पे सोना है। भैया गेट खोल दो। भैया सॉरी यार, आइंदा से हम लोग लेट नहीं आएंगे, नहीं बन लिया, हम पार्टी में भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना भैया? अरे पार्टी कैंसिल भैया, फिलहाल तो अंदर आने दो। यार सिंचन हमने पूरी तरीके से ट्राई कर लिया, फोन वोन भी करके देख लिया, भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी क्या करे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अरे यार मुझे तो लगता है जैक भैया किसी मुसीबत में ना हो। अरे यार मैं भी वही सोच रहा हूँ। चलो गाइस ऊपर की साइड फिर से आके यहाँ पे आवाज़ लगा के देखते हैं। आई होप यार भैया कहीं सो तो नहीं गए अंदर। दरवाज़ा सरवाजा सब बंद करने के बाद भैया कहीं सो गए और उन्हें भी होश नहीं हो, या तो लेट उठेंगे। हाँ गाइस सुबह का टाइम। दोस्तों पूरा टाइम हमने यहाँ से आवाज़ लगा लगा के परेशान हो गए, लेकिन भैया ने दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही कोई अंदर से आवाज़ आई। पूरे भाई साहब यहाँ पे दोपहर होने वाली है, सुबह की धूप भी निकल चुकी है, लेकिन भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहे। सिंचन इस गैप से झांक कर देखता हूँ आखिरकार अंदर है क्या। दोस्तों अंदर वहाँ पे कुछ चमकीला नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है पे कुछ तो है। अरे यार क्या दिख रहा है? रुको यार इस साइड से नज़र आ रहा था सिंचन मुझे। दोस्तों और कहीं गैप है क्या जहाँ से मैं देख सकूँ भैया को किधर है? दोस्तों यार यहाँ पे एक मिरर कुछ जैसा नज़र आ रहा है जिसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकल रही है। यार हो सकता है भैया ने ये मिरर खरीदा हो। लेकिन भैया है किधर? भैया खुद तो नज़र नहीं आ रहे, अभी क्या करना है? बस वो मिरर मुझे नज़र आ रहा है सिंचन। अरे यार कैसा मिरर है? अरे यार मुझे नहीं पता, कुछ पुराने टाइप का मिरर दिख रहा है, उसके अंदर से कुछ मैजिकल जैसी लाइटें निकल रही है। अरे यार ये कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन अभी क्या करे सिंचन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दरवाज़ा टूट नहीं रहा है और हम लोग कब तक घर के बाहर रहेंगे? मुझे बहुत तेज की नींद लग रही है, मुझे बेड पे सोना है और मुझे खाना भी खाना है। दोस्तों अभी एक काम करते हैं, आई थिंक यार छत पे से कोई रास्ता में मिल जाए। चलो गाइस एक काम करते हैं, अपन लोग चलेंगे छत पे देख कर आते हैं, शायद से कोई यहाँ पे मिल जाए। कोई रास्ता हो, सीक्रेट वगैरह तो नहीं? डोर भैया ने बना दिया ऊपर टनल निकलने के लिए, कोई होल बना दिया हो निकलने के लिए। सिंचन तुम भी ढूंढो यार, कोई रास्ता मिल जाए सीक्रेटली। अरे यार ठीक है। दोस्त यार यहाँ छत पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी छत खाली है, मतलब खाली बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिरकार भैया गए तो गए कहाँ पे? भैया किधर हो? भैया प्लीज मेरी बात सुन रहे हो तो भैया दरवाजा खोल दो यार, हम आइंदा से कभी लेट नहीं आएंगे। भैया यार ये क्या, भैया तो बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है। क्या करा जाए, मेरे तो गाइस दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पूरी सुबह से यार इतनी देर से हम लोग लगे पड़े। अब ये सिंचन कहाँ चले गए यार? अरे यार सिंचन मेरे ख्याल से कुछ ढूंढने गया। आ रहे होगी भैया इधर आओ। सिंचन की आवाज़ तो कुछ इधर से आ रही, क्या हो गया आखिरकार? आ रहे होगी भैया इधर आओ, ये देखो यहाँ पे वो मिरर है। कौन सा मिरर इधर? अरे जल्दी आओ तो सही। रुको आ गया सिंचन, क्या देख रहे हो सिंचन, क्या चीज़ है? अरे यार ये तो वही मिरर है जो कि अंदर रूम में दिख रहा था। कौन सा मिरर है यहाँ पे? अरे ये तो सेम टू सेम गाइस वही मिरर है जो कि रूम में नजर आ रहा था। सिंचन अब क्या करा जाए, क्या मैं इस मिरर में जाऊं क्या? अरे यार क्या करने आ गए? मुझे लगता है कि इस मिरर में कोई रास्ता वगैरह हो सकता है सिंचन। तो यार मैं जा रहा हूँ अंदर, तुम यहाँ पे, अगर मैं बाहर नहीं आता हूँ तो तुम यहाँ पे मिलिट्री वगैरह ले आना और पुलिस वालों को बता देना, समझ गए ना? अरे मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अरे नहीं नहीं सिंचन, अगर हम दोनों ही चल जाते और अंदर जाके फंस जाते तो बाहर से मदद कौन लाएगा?
अरे यार ठीक है मैं समझ गया यार, जल्दी जाओ। ए ठीक है गाइस, ये मिरर तो है, पता नहीं इस मिरर को जरा सा साफ करके देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या, जैसे मैंने मिरर पे हाथ रखा गाइस मैं कहाँ आ गया, ये तो अपना घर ही लग रहा है गाइस अंदर वाला। ए मैं अंदर घर में टेलीपोर्ट हो गया, ये क्या गाइस, या नीचे से मैं ऊपर आ गया। आखिरकार भैया है कहाँ पे, पक्का ये भैया ने कोई ऐसा सीन बनाया क्या, भैया मैजिक कब से जान गए। ए भैया कहाँ छुपे हो, बाहर निकलो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा भैया। ए ये क्या, यहाँ पे तो कोई है नहीं। दोस्तों अरे यार भैया यहाँ पर भी नहीं है, अरे यार भैया किधर हो। ओ नो गाइस, भैया लगता है मुझे घर पे ही नहीं है, घर पे नहीं तो आखिरकार ये दरवाजे किसने लॉक किए। ए यार ये कैसे हो सकता है, भैया तो यहीं कहीं होने चाहिए। ए ये क्या गाइस, ये वाला मैजिकल मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं इसमें जाऊँगा तो गाइस आई थिंक मैं बाहर की साइड निकल जाऊँगा। क्योंकि एक मिरर ऐसे था एक मिरर वैसे था, भैया है कहाँ पे आखिरकार। ये क्या, अरे बाप रे कोई खींच रहा। ए ये कहाँ आ गया मैं। गाइस मैं मिरर के साइड से खड़ा था, मिरर ने मुझे खींच लिया और ये कहाँ भेज दिया। मुझे लगा मैं मिरर के अंदर जाऊँगा तो मैं बाहर सिंचन के पास चले जाऊँगा, लेकिन ये तो कुछ और ही जगह मुझे लेकर आ गया। ओके गाइस सही है, मेरे पास ये गन भी थी एडवांस में। हे अंधेरे में तो डर मुझे भी लगता है। हेल्प मी। दोस्तों ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है, ऐसा लग रहा किसी ने बुलाया, लेकिन बुलाया किधर से, इधर से कि उधर से। यार किस साइड से आवाज़ आ रही है मुझे। ओके गाइस मुझे यार सुनना पड़ेगा बारीकी से, अभी आवाज़ बंद हो गई, बस एक ही बार मुझे आवाज़ सुनाई दी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी साइड से आवाज़ आई थी, गाइस इस साइड से कि इस साइड से, मैं तो फंस रहा हूँ यार। मुझे लगता है कि एक बार मैं पीछे की साइड चल के देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि आवाज़ इधर ही कहीं से आई थी यार। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कौन है। ओए मुझे छोड़ दे सर्वियन लेडी। ये क्या भैया, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। ओए मुन्ना तू है क्या। भैया मैं ही हूँ यार। ओए बाप रे, अच्छा तू अच्छा हुआ मुन्ना तू आ गया, मुन्ना मुझे सर्बियन लेडी ने इस मिरर के अंदर फंसा लिया और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हे भैया सर्बियन लेडी कैसे अटैक कर सकती है जब तक हम उसकी फ़ोटो ना खींचे। ओए यार क्या बताओ, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली मुन्ना। हे भैया तुमने सर्बियन लेडी की फ़ोटो आखिरकार खींची क्यों यार। ओए मुन्ना उसने धोखा कर दिया, वो पहले एक लड़की थी काफ़ी बढ़िया, ओए अच्छी सी, और मेरे को लगा कि फ़ोटो खींच लेता हूँ, लेकिन बाद में मुन्ना वो अब सर्बियन लेडी बन गई। मुझे लगा उस लड़की की मैं फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालता, ओए सही डांस कर रही थी ना। ए भैया, ओए मुन्ना संभल के, वो पहले लड़की बन के डांस करी, अगर तूने इसकी फ़ोटो खींच ली ना तो वो मुन्ना सर्बियन लेडी बन के मार देगी। ए भैया सही कह रहे हैं गाइस, अब भैया को बहुत बुरी तरीके से उसने मारा है। भैया को लगता है उसने मरा हुआ बात जो छोड़ दिया, मतलब कि मरा समझ के, लेकिन भैया बच गए, बाल बाल बच गए। आखिरकार ये नली है कहाँ पे यार। ए दोस्तों इस साइड का रोड मुझे लगता है कि बंद है। ए भाई साहब यार इधर तो कहीं सर में लेडी नजर नहीं आ रही। ओके गाइस ये वाले रोड पे चल के देखते हैं। कोई है क्या, कौन एक है क्या। दोस्तों आखिरकार वहाँ पे मुझे एक लड़की नज़र तो आ रही जो कि डांस भी कर रही है। गाइस ये एक लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यार, ये लड़की सर्बियन लेडी कैसे हो सकती है। गाइस क्या लगता है, भैया सही में बोल रहे हैं कि ये सर्बियन लेडी है। भाई साहब मैं किसी इनोसेंट को नहीं मारना चाहता। तो गाइस मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि क्या ये सर्बियन लेडी है, तो यस में कमेंट लिख दो, यस सर्बियन लेडी, या सिर्फ यस भी लिख दो तो मेरे को पता चल जाएगा। तो गाइस जल्दी कमेंट करो, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अगर ये सर्बियन लेडी है तो यस लिखो गाइस, क्या बात है आप लोग यस यस से भी लिखना, कुछ लोग नो कर रहे यार, यस लिख रहे हो गाइस, जल्दी से कमेंट करो यार। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यस ही बोला है कि ये यस सर्बियन लेडी है, तो गाइज आप पे मैं ट्रस्ट करता हूँ और इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, ये मारूंगा इसे गोली, भून दूंगा मैं। लेकिन ये क्या, ये सर्बियन लेडी होती तो नॉर्मल रूप में आ जाती है, और सर्बियन लेडी
इतनी जल्दी गोलियों से नहीं मरती यार। ए, कहीं ये इनोसेंट लड़की तो नहीं थी गाइस? मैंने किसी इनोसेंट लड़की तो नहीं मार दी गाइस, लेकिन वो लड़की था, डांस क्या करेगी या करी, ये समझ नहीं आ रहा मुझे यार। ए दोस्तों, लगता है यार कुछ तो गड़बड़ यार। ये नॉर्मल यार सर्बियन लेडी अगर होती तो सर्बियन लेडी बन जाती ना। ये मुझे लगता है कोई लड़की थी जिसे मैंने गलती से मारा। बाप रे बाप, ये क्या? ए सर्बियन लेडी, तुझे कैसे पता चला कि मैं हूँ? तूने मेरी फोटो क्यों नहीं खींची? ए मैंने तेरी फोटो क्यों नहीं खींची? क्योंकि तूने भैया को मारा और भैया मरे नहीं है, भैया जिंदा है। उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। अरे वो जैक द फौजी बच कैसे गया? उसको तो मैंने बहुत बार मारा। ए भैया फौजी है फौजी, इतनी जल्दी फौजी नहीं मरा करते, समझ गई? ए तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं फेल हो गई, लेकिन फिर कभी मिलेगा मौका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं जा रही हूँ। ए नले नले, आ भाग गई। ए दोस्तों, ये तो भाग गए यहाँ से। यार ये फाइनली गाइस, इस सर्बियन लेडी को तो भगा दिया हमने। ए अगर मैं भी झांसे में फंस जाता और भैया मरे होते तो गाइस मुझे पता नहीं चलता, तो मैं भी इस लड़की की फोटो निकाल लेता और उसके बाद ये मुझे मार देती। ए जब तक मैं इसकी फोटो नहीं खींचूंगा तो गाइस ये अटैक नहीं कर पाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी फोटो नहीं खींची तो अटैक नहीं कर पाई। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे मुझे लगता है मिरर, यहाँ पे मिरर का रास्ता टूट रहा है। ओके गाइस, हम लोग बाहर निकलने वाले। ए बाहर आ गए। अरे यार क्या बात होगी भैया, ये जैक भैया को क्या हो गया? जैक भैया को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे सर्बियन लेडी ने अटैक कर दिया था। चलो गाइस, सर्बियन लेडी मतलब कि जैक भैया बच गए। अब हमें जल्दी से जैक भैया को हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे बिल्कुल सही कहा यार, जैक भैया को हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये सर्बियन लेडी का क्या मामला है? बाद में तुम्हें सिंचन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार क्या कर रहे हो? मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे प्यार दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।